तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीवो के डिवाइस में फ्रंट टच ओएस वाला जो चार्जिंग एनिमेशन है उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कि आप अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में फ्रंट टच ओएस 10 का जो चार्जिंग एनिमेशन है, यानी कि हमें एक ठीक है उस चार्जिंग एनिमेशन को कैसे अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका पूरा जो चार्जिंग एनिमेशन से वो तो चेंज हो ही जाएगा, बट आपका जो पूरा मोबाइल है, होम स्क्रीन से लेकर सारी चीज़ें, डायलर वगैरह, वो भी पूरे तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। मतलब कि पूरा का पूरा लुक आपका चेंज हो जाएगा फाइनली। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में, यानी कि फ्रंट टच ओएस 10 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वीवो के डिवाइसेस में। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दो फाइलें दी हैं, एक फाइल मैनेजर की फाइल है जिसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और सेकंड फाइल जो है वो है सेकंड फाइल जो है गाइज वो है फाइल की, ठीक है, चार्जिंग एनिमेशंस फाइल जो कि आपको डाउनलोड करके रखनी है। और फाइल मैनेजर को जैसे ही आप ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा गाइज फाइनली, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको जाना है इंटरनल में, ठीक है, और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है, शो लास्ट में शो हिडन फाइल का ऑप्शन रहता है, ठीक है। अगर आप मेरे फ़ोन से अगर डाउनलोड करोगे तो आपको शो हिडन फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने ये जो फाइल मैनेजर है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है तो आपको थोड़ा लग रहेगा, लेकिन उसमें आपको यहीं पे शो हिडन फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आप अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। अनलॉक हो जाएगा वो आसानी से फाइल मैनेजर से। उसके बाद में आपको डाउनलोड कर जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद आपको जो आपने फाइल डाउनलोड की थी वो डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगी, ठीक है गाइज। चलिए मैंने मान लीजिए कोई और कहीं और से मैं फ़ाइल ले लेता हूँ, तो ऐसे मान लीजिए मेरी जो फ़ाइल है, चलिए ये फ़ाइल है मेरी, कोई भी फाइल मैं ले लेता हूँ। ऐसे मान लीजिए इस अपनी फ़ाइल को, ये मेरी फ़ाइल है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद बैक जाना है और यहाँ पे DWD का फोल्डर देखना है, उसमें जाना है, उसमें जितने भी सिंगल फाइल आपको देखने को मिलती हैं सारी ओपन करते जाना है, और जब 5-6 फाइल एक साथ आ जाएँ तो टी वाले फाइल में फ़ाइल को पेस्ट कर देना, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से पेस्ट कर रखी है, ठीक है। ये वाली फ़ाइल है मेरी जो मैं आपको लिंक दूंगा, ये फ़ाइल है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से पेस्ट थी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फाइल को आपको यहाँ पर टी फोल्डर में पेस्ट करना है। उसके बाद में आपको अपने जो आई थीम्स है उसको ओपन करेंगे गाइज, ठीक है। अपने आई थीम्स को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं यहाँ पे, और इससे इजीली आप जैसे इस थीम्स पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा और आप इस थीम्स को अप्लाई कर लोगे, ठीक है। जैसे ही आप इस थीम्स को अप्लाई करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सारा कुछ जो है आपका फ्रंट टच ओएस 10 के जैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ चेंज हो गया, आपका होम स्क्रीन्स का जो बैकग्राउंड है वो तो चेंज हो ही गया है, लुक स्टाइल चेंज हो गया है, आपकी जो बैटरी है वो आपको यहाँ से ब्लू टाइप की बैटरी हो जाएगी, सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी। आइकन आपको यहाँ पे फ्रंट टच ओएस 10 वाले ही देखने को मिलेंगे, कोई अलग नहीं मिले। फ्रंट टच ओएस 10 में जो आपको आइकन मिलते हैं वही आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पूरा हमारा जो फ़ोन है एंड्रॉयड, सॉरी, फ्रंट टच ओएस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस ये है नहीं, आपको सेटिंग्स में भी फ्रंट टच ओएस 10 बताने वाला है, तो आइकन में कोई भी वर्क नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन पैनल में कुछ इस टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, ठीक है। हम यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड मिलेगा, और यहाँ का जो है शॉर्टकट सेंटर्स कुछ इस टाइप का हो जाएगा गाइज, ये चेंजेस है, ठीक है। और सेटिंग्स जो है कुछ इस टाइप की हो जाएगी फ्रंट एज एंड्रॉइड 10 वाली, ठीक है, जो आपकी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। प्लस अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको फ्रंट एज ओएस 10 लिखा हुआ नज़र आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो फ्रंट एज ओएस 10 यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आने वाला है कि आपका जो फ़ोन है फ्रंट एज ओएस 10 यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, सिर्फ शो करेगा गाइज, ठीक है, क्योंकि ये एक थीम है। और इसके बाद गाइज आपको मैं बता दूं अब आपको क्या क्या चेंजेस और मिलेगा। आपको जो डायलर है वो पूरी तरीके से चेंजेस हो जाएगा, डायलर आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा नया है। डायलर में किसी भी टाइप का कोई भी वर्क देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, चलिए ठीक है। लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके की मिलेगी गाइज यहाँ पे,
यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन देखोगे कुछ इस टाइप का मिलेगा, काफ़ी अच्छा लुक है। प्लस आपको यहाँ पे नीचे मेरे चैनल का नाम ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि यार मैं खुद डालता हूँ थीम क्रिएटेड बाय टेक्निकल एस के, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है थीम को, मेरी थीम फाइल को यूज़ करते हैं, तो इसलिए मुझे ये नाम डालना पड़ता है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतना अच्छा मतलब कि साइड में दिया है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन चेक करा देता हूँ। तो पहले मैं अपना चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ। तो वैसे देखिए, सबसे पहले मैं अपने चार्जर को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चार्जर को मैं कनेक्ट करता हूँ और देखिए मैंने चार्जर को लगाता हूँ। जैसे ही मैं अपने फ़ोन के चार्जर को यूज़ करूँगा तो कुछ इस तरीके का जो लुक है आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस टाइप का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा और आपका फ़ोन जो है पूरे तरीके से अच्छे से दिखाई देने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रंट एच ओ एस का वीवो फ्लैश चार्ज का जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, और कुछ इस टाइप से आपका जो चार्जिंग पे जैसे ही आप लगाओगे इस तरीके का एनिमेशन से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने किसी भी वीवो के डिवाइस को कन्वर्ट कर सकते हो अपने वीवो के फ्रंट एच ओ एस 10 में, और यहाँ पे साथ में मिल जाता है आपको ये वाला चार्जिंग एनिमेशन जो कि बहुत ही गजब का है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।